जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तो दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी इसको परिभाषित करना है, और जिन पयाजे, याद रखिएगा ये बहुत चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो क्वेश्चन है वो जिन पे आज से सवाल बिल्कुल बनते हैं, तो याद रख लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखता है कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं और जिन पे आज के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जिन पे आज ने क्या बताया है इसको भी व्याख्या करना है। तो चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना, यानी संज्ञान का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को, वाक्य का अर्थ निकालना और उसको जानना और उसको समझना। आगे लिखा है, यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक जो वर्ड है एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि विचार आपके अंदर की क्या विचार हैं या अपना खुद का विचार, तो इस विचार से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। फिर लिखा है आगे, संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास है उस शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में, यानी कि जो मानसिक विकास है, यानी कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वृद्धि और विकास, तो वृद्धि तो सीधा बच्चों का हाइट बढ़ता है तो ये दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर की जो विकसित सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, तो उसको हम लोग एक विकास की नाम दे देते हैं, जिसको यहाँ लिखा है मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना के प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। मतलब कि मानसिक विकास जो होता है इसमें व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें बुद्धि और इसके अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या का इसमें निर्वाहन किया गया है। फिर लिखता है आगे कि मनोवैज्ञानिक संज्ञान, यानी कि मनोवैज्ञानिक का माने तो संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संज्ञान का परिभाषा क्या दिया गया है, तो इसका प्रयोग बताया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग विल्रिक नियेशर, याद रखिएगा विल्रिक नियेशर एक वैज्ञानिक हैं, तो इनका एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम ही है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया जिनका नाम है विल्रिक नियेशर, और इनका खुद का पुस्तक है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो इस पुस्तक में सन 1967 ईस्वी में इसका जिक्र उन्होंने किया था, यानी कि मनोवैज्ञानिक में देखा जाए तो संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है, और इसका जिक्र एक विल्रिक नियेशर की पुस्तक है मनोविज्ञान संज्ञान, तो इस पुस्तक में उन्होंने 1967 में इसका जिक्र किया हुआ है। आगे लिखता है, संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है, यानी कि जब बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास होती है तो वे बच्चे पहले ध्यान से किसी प्रश्न को सुनते हैं, उसके तथ्य को समझते हैं और फिर सोच समझ के उसका आंसर देते हैं, ऐसा लिखा है। फिर आगे बढ़े, तो अब चूंकि क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन लिखा था कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी बताना है, कि जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को के बारे में क्या बताया, तो चलिए अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये कि जिन प्याजे, याद रखिएगा जिन प्याजे बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं, जो खासकर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में इनके बारे में ज़रूर लिखने के लिए आता है। तो जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो उसके नीचे लिखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जीन पियाजे का है। यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो जीन पियाजे का नाम जो है सर्वप्रथम पाया जाता है, बहुत ही इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में, जब सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे, सिद्धांत का जब खोज कर रहे थे, तो उन्होंने अपने तीन बच्चों यानी कि जीन पियाजे ने अपने तीन बच्चा और एक भतीजा पर ये विकास का अध्ययन किया था। यानी कि जीन पियाजे जो वैज्ञानिक हैं वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दे रहे थे, तो अपने बोल सकते हैं कि प्रयोग में अपना ही खुद का तीन बच्चा और एक भतीजा पर ये विकास का अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बड़ों के संज्ञानात्मक विकास से अलग होता है। अब देखिए, जीन पियाजे ने अपने तीन बच्चे और एक भतीजे यानी कि उनका ही भतीजा, तो ये चारों बच्चों पर, तीन उनका खुद का बच्चा और एक भतीजा, तो चारों बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने खोज रहा था, यानी कि खोज ही रहे थे, उनका सर्च चल रहा था। तो उनको ये पता चला कि बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है और बड़ों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है उससे अलग होता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यथार्थ एक अलग समझ पर आधारित होता है। यानी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है वह एक अलग समझ पर आधारित होता है, जो कि परिपक्व और अनुभव के साथ साथ धीरे धीरे बदलता है। यानी कि बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास आती है वो सिचुएशन के आधार पर उनके अंदर चीज़ें बदलते रहती है। और किस किस पर? तो परिपक्व और अनुभव के साथ साथ, यानी कि उनके अंदर मैच्योरिटी आती है, धीरे धीरे सब कुछ सोचने समझने, वृद्धि विकास सब चीज़ उनके अंदर होते रहती है। तो इसके अंदर उनके अंदर बदलाव देखा जाता है। इन सभी बदलावों को आयु के आधार पर निम्नलिखित अवस्था में बांटा जाता है। अब देखिए, जीन पियाजे ने तो बताया कि सभी का अलग अलग अवस्था होती है और उनके परिपक्व और अनुभवों के आधार पर उनके अंदर चीज़ें बदल जाती है। तो अब उनको अलग अलग अवस्था में बांट दिया, किसके आधार पर? तो आयु के आधार पर, यानी कि एज के आधार पर उनको जो है अवस्था को अलग अलग बांटा। तो जीन पियाजे के अनुसार चार अवस्था दी गई। पहला का नाम है संवेदी गामक अवस्था, और दूसरे का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरे का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथे का नाम है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। यानी कि अगर बात किया जाए तो जीन पियाजे ने आयु के आधार पर अलग अलग अवस्था में बांटा। पहले का नाम है संवेदी गामक, दूसरे का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरे का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथे का नाम है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो कुल मिलाकर आयु के आधार पर जीन पियाजे ने चार अवस्था दिया। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि चारों अवस्था के बारे में आखिर उन्होंने क्या क्या बताया। पहली अवस्था क्या थी, दूसरी अवस्था के बारे में उन्होंने क्या समझाया, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। तो चलिए डीपली समझते हैं। तो चलिए, आगे लिखा हुआ है, पहला के बारे में हम लोग जानेंगे, चूँकि पहला था क्या, संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था में ये बताया कि यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। यानी कि संवेदी गामक अवस्था उसे कहते हैं जिन बच्चों की उम्र जन्म और 2 साल के बीच के अंदर आते हैं। यानी कि जो बच्चा का उम्र जन्म से 2 साल के बीच है उनको इन्होंने संवेदी गामक अवस्था कहा। इस अवस्था का बालक चीज़ों को इधर उधर करना, यानी कि इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, किसी भी घर में का सामान रहेगा उसको इधर से उधर कर देगा, इधर से उधर फेंक देगा, मतलब कि इधर उधर करने का उनके अंदर गुण आता है। वस्तु की पहचानने की कोशिश करना, यानी कि जिनकी आयु जन्म से 2 वर्ष के बीच है तो इन बच्चे कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये थाली है, ये ग्लास है, ऐसे करके वो पहचानने का कोशिश करते हैं वस्तुओं को।
आगे क्या लिखा है, किसी चीज़ को पकड़ना, यानी कि ये इनके अंदर ये गुण आ जाता है कि तुरंत कोई भी चीज़ देखेंगे ना तो तुरंत आराम से पकड़ने की कोशिश करेंगे, मुंह में डालना। अब बिल्कुल सही, देखते ही होंगे छोटे बच्चों को कोई भी सामान मिला तुरंत फटाक से मुंह में डाल लेते हैं, उनको ये अंदर समझदारी नहीं है कि कौन सी चीज़ें मुंह में डालनी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो ये अवस्था में ऐसी देखने को मिलती है, मुंह में डालना आदि प्रक्रियाएं करती है, वे आवाज़ और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। बिल्कुल सही। अब इस अवस्था में जो बच्चे आते हैं उनको थोड़ा सा आवाज़ दीजिएगा तो तुरंत फटाक से आपके तरफ देखेंगे, या लाइट के वजह से प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब कि अगर देखते होंगे लाइट अगर कटता है तो बहुत सारा बच्चे रोने भी लगते हैं क्योंकि वो लाइट और आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसीलिए लिखा है रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं। अब उनके अंदर जो रुचि का कार्य है, जैसे आराम से हाथ पाँव चलाना, उनको अगर बेड पे लिटा दीजिएगा उन बच्चों को तो आराम से हाथ पैर मुंह अपना जो खुद का अंगुली है वो आराम से मुंह में डाल के चूसते रहते हैं, तो ये उनकी रुचिकर प्रतिक्रिया है जो इसको हमेशा वह कोशिश करते रहते हैं। तो ये था संवेदी गामक अवस्था। तो याद रखिएगा संवेदी गामक जो अवस्था होती है वो जन्म से 2 साल के बीच की अवस्था होती है। फिर जो दूसरी अवस्था है साथियों वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इस अवस्था में जिन पयाजे ने क्या क्या बताया। तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। याद रख लीजिएगा कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक जो बच्चों का उम्र होती है उसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएँ होती हैं। अब इस अवस्था का 2 विशेषता है। अब कौन कौन सी विशेषता है? तो पहली विशेषता है संवेदी गामक संगठन का संवर्धन, और दूसरा जो है कार्यों के आत्मीकरण का प्रारंभ जिससे संक्रियाओं का निर्माण होने लगे। देखिए सबसे पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों की जो आयु होती है उसको कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में भी 2 प्रमुख विशेषता है। तो पहली विशेषता ये बताया गया कि संवेदी गामक संगठन का संवर्धन, यानी कि उनके अंदर का एक संवेदना, जैसे किसी को तुरंत थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं टच करिए तो तुरंत फटाक से बच्चा मुड़ जाएगा आपकी ओर, आप उसको हल्ला करिए उसको स्वाद का ज्ञान होने लगता है, उसको गंध पता चलने लगता है। तो ऐसी तरीके से संवेदी गामक संगठन उसके अंदर आ जाती है। ये पहली विशेषता। दूसरी कि कार्यों के आत्मीकरण का प्रारंभ करना, यानी कि अब कार्य को जैसे मान लीजिए कि उसको बोलिए कि बाबू तुम ये कर दो, ये ला दो, पानी ला दो, ये कर दो, तो वो बच्चा आपके कार्य को करने के लिए सक्षम हो पाता है। तो ये दूसरी विशेषता है इसकी। फिर आगे बढ़े, इस अवस्था में बच्चा संकेतात्मक कार्य, यानी कि उसको हाथ दीजिए कि देखो उधर कोई बुला रहा है, वहाँ से देखो ये सामान ले जाओ, संकेत के माध्यम से वो बच्चा संकेतात्मक कार्य करता है और भाषा का प्रयोग करने लगता है। जी हाँ, यानी कि वो उसके अंदर उनका मुंह से जो भाषा है वो लैंग्वेज है वो निकालने लगता है। आगे लिखा है 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्द का वाक्य बोलता है, यानी कि जो बच्चा का उम्र 2 साल है वो 1 या 2 शब्द को बोलता है, इसलिए आ का मा पा ऐसे करके वो बोलना शुरू करता है। जबकि 3 वर्ष का बालक, यानी कि जो जिसका उम्र 3 वर्ष है, वो लगभग 8 से 10 शब्दों को वाक्यों को बोल लेता है। तो कुल मिलाकर ये था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि ये दूसरी अवस्था है जीन प्याजे की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये है तीसरी अवस्था। चलिए जानते हैं इस अवस्था में क्या क्या है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है। याद रखिएगा 7 से 12 वर्ष तक जो अवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में यदि समस्या को स्थूल रूप में बालक के सामने प्रस्तुत किया जाए
जो वह समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी कि देखिए, जो बच्चा का उम्र 7 से 12 वर्ष होता है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया गया, और इस अवस्था में बच्चे जो है किसी समस्या का समाधान करने के लिए अब मतलब कि वो उनके अंदर ये मैच्योरिटी आ जाती है कि कोई भी समस्या हो तो वो उसका हल खुद से कर सकते हैं। आगे लिखा है, समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस अवस्था में बालक गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, अब इस उम्र में बच्चा जो है ये इतना उसके अंदर समझदारी आ जाता है कि गुण के आधार पर वो अलग अलग कैटेगराइज कर सकता है, अलग अलग बांट सकता है। जैसे लिखा है, अगर जिसका उम्र 7 से 12 वर्ष है उसको अगर एक गुच्छा दीजिए जिसमें एक गुलाब का फूल है और एक गुड़हल का फूल है, यहाँ गुलाब लिखा है, तो गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल का एक गुच्छा दीजिए तो बच्चा जो है इसे अलग अलग कर सकता है। यानी कि उसके अंदर चूँकि समझदारी आ गई है, ये आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो इस अवस्था में आने वाले बच्चे जो है किसी भी चीज़ को अलग अलग कर सकते हैं। तो उनको गुलाब और गुलहड़ का फूल का एक गुच्छा दे दिया जाए तो वे चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। वे चीज़ों को छोटे से बड़े के क्रम में लगा सकते हैं, यानी कि उनके अंदर एक और गुण आ जाती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, छोटा उसके बाद थोड़ा सा बड़ा उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, ऐसे करके वो सजा सकते हैं। फिर लिखता है, एक लास्ट अवस्था होती है, उस अवस्था का नाम है औपचारिक, उस अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। यानी कि ये जीन पियाजे की चौथी अवस्था है जो उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर बांटा गया। तो यह अवस्था कब से कब तक चलता है, तो याद रखिएगा, औपचारिक संक्रिय की अवस्था है 11 से 15 वर्ष तक चलती है। यानी कि 11 से 15 वर्ष तक जो चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। चिंतन ज़्यादा लचीला तथा प्रभावशाली हो जाता है, यानी इस उम्र में बच्चे जो हैं ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, अपने घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, कैसे होगा घर पे, घर कैसे चलेगा, तो ये सब सारी टेंशन अब उनको इस उम्र में आने लगती है। बालक अमूर्त बातों को संबंध में तार्किक चिंता करने की योग्यता विकसित कर लेता है। अब इस उम्र का जो बालक है वो बात से पकड़ लेगा कि आप क्या बात बोल रहे हैं और उस बात का क्या अर्थ निकल रहा है, तो इस अर्थ को जो बात आप बोल रहे हैं, अमूर्त बात किसको कहते हैं, जैसे कोई बात बोला आपको लेकिन वो सबके सामने तो बोल दिया लेकिन उसका अर्थ कुछ इस तरीके से निकल रहा है ताकि आपको एक गलत अवधारणा दिया जा रहा है, तो इस तरीके से वो कौन सा बात गलत है और कौन सा बात सही है, क्या बोला जा रहा है, तो इसको समझने की शक्ति उसके अंदर आ जाता है, वो योग्यता विकसित कर लेता है। बालक परिकल्पना बनाने लगता है, व्याख्या करने लगता है, मतलब कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो उनके अंदर सोचने समझने और परिकल्पना करने की शक्ति आ जाती है जिसको वे व्याख्या भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ निष्कर्ष भी निकालते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ें हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो अब इसको हल कैसे किया जाए, तो इस अवस्था में वे बच्चे निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। पियाजे के अनुसार, यानी पियाजे बोले तो जीन पियाजे, ये जीन पियाजे पूरा नाम है, यहाँ सिर्फ पियाजे लिखा है तो समझना है जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की ये चार अवस्था क्रम में होती है, यानी कि जो भी हम लोग चार अवस्था देखे ना जो आयु के आधार पर बांटा गया है, तो ये चारों अवस्था जो होती है एक के बाद एक होती है। जैसे जन्म से 2 वर्ष हुआ, जन्म से 2 वर्ष के बीच हुआ, फिर 2 वर्ष से 4 वर्ष हुआ, 4 से 7 हुआ, और 7 11 से 15 हुआ, तो इस 7 से 11 11 से 15, तो इस तरीके से चार अवस्था जो दी गई है तो इन चारों अवस्था जो है क्रम में होती है। फिर आगे लिखा है कि दूसरी अवस्था में पहुंचने से पहले पहली अवस्था से गुजरनी पड़ती है। बिल्कुल सही, जैसे अगली जो अवस्था है उसको अगली अवस्था में जाने के लिए उसको पहली अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। तो ये था दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जिसको आज हम लोग किए। दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए